वेलकम बैक अर्जुनों हजरात आफ्टर द ब्रेक एंड आज सुबह अली सलमान। आज मेरी खुशनसीबी की इंतहा देखिए कि मेरे हाथों के तोते उड़ चुके हुए हैं। तोते मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं, जैसे कहा जाता है तोता शीरख्वार हो या नौनिहाल, तोता तो तोता ही होता है। इवेंचुअली सैरिश ने बताया था, जो ये देखे तोते की आवाज़ भी निकाल लेती हैं सैरिश, उन्होंने बताया, उन्होंने बड़ी ख़ास चीज़ मुझे बताई थी। उन्होंने बताया था कि चाइनीज़ मिथोलॉजी है जिसमें ये कहा जाता है कि हर इंसान एक जानवर से रिलेट हो सकता है, यानी हर इंसान के अंदर कोई ना कोई जानवर होता है। अब आइए हम चल के गेस करते हैं। हम पहले अपने म्यूजिशियन से शुरू करते हैं। अगर आपके ख्याल में आरिफ लोहार साहब जो हैं, अगर उनसे रिलेट किया जाए तो कौन सा ऐसा खूबसूरत जानवर है जो आरिफ लोहार साहब से रिलेट होता है? आमिर शफी की बात करते हैं, ये बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, ये आने एक बहुत बड़ा रॉक स्टार बैंड बना रहे हैं, एक एल्बम इनकी आ रही है। खैर, कॉलर हमारे साथ लाइन पे, पहले हम कॉलर से बात करते हैं, उसके बाद हम मजीद अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? आयशा बोल रही हूँ मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा, आप कैसी हैं? ये तोते की आवाज़ आप निकाल रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं निकाल रही। अच्छा जी आयशा, क्या कहना चाहेंगी? जी बस सबसे पहले तो ये कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इसमें तोते हैं ना, गायबाना तोते हैं, तोतों के जिन है हमारे शो पे। लेकिन मैं तो अक्सर कॉल करती रहती हूँ, पता नहीं आप मुझे पहचानते हैं या नहीं। आयशा मैं आपको जरूर पहचानता हूँ, कभी आप अली तबस्सुम साहब से मशवरे ले रही होती हैं, कभी आप जुबैदा आप ऐसे खीर पकाने की रेसिपी पूछ रही होती हैं कि माइक्रोवेव में खीर कैसे पकती है। मैं बिल्कुल पहचानता हूँ आपको, और मैंने आपसे उस दिन पूछा भी था कि प्राइम मिनिस्टर साहब के घर के आगे से जब से ट्रैफिक खुली है तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा खौदीन हजरात, चूँकि आज हम पेट्स वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल वाला शो निकाल के जो गुजर गया, आइए चल के आपको पैकेज दिखाते हैं। पैकेज से वापस आएंगे तो देखें हमारे सेट पे आपके लिए कुछ सरप्राइजेज हैं। पैकेज। इंसानों में बहुत से शौक पाए जाते हैं, कुछ लोगों को तस्वीरें जमा करने का शौक होता है तो कुछ लोगों को मुख्तलिफ जगहों के टिकट्स। इन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जानवर पालने का बेहद शौक होता है। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिसे तोते पालने का बेहद शौक है। इनके पास किस किस तरह के तोते हैं, आइए देखते हैं आज सुबह में।